फाइनली वन प्लस 10 प्रो 31 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो कंफर्म्ड हो चुका है। सेकेंड जनरेशन 2K LTPO डिस्प्ले, एंड्रॉयड फ्लेक्सिप प्रोसेसर, 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, वाइड एंगल कैमरा, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। तो चलिए देखते हैं वन प्लस 10 प्रो इंडिया में कौन कौन से नए फीचर्स के साथ आता है। तो सबसे पहले वन प्लस 10 प्रो के डिजाइन और बिल्ड की बात करते हैं। फोन का बैक देखें तो यहाँ पे ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा एक ग्रीन कलर भी आता है और एक व्हाइट कलर भी आता है। और दोस्तों, मैंने ग्रीन कलर का वन प्लस 10 प्रो का ऑलरेडी अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, जरूर से देख ले। फोन का बैक देखे तो यहाँ पे ब्लैक कलर में चमकीला बैक देखने को मिल जाता है। बैक पे लाइट के रिफ्लेक्शन से ये तारों की तरह चमकेगा। वैसे ये ग्लास बैक है, लेकिन कौन सा ग्लास यूज किया है वो कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। सेंटर में देखे तो वन प्लस का लोगो देखने को मिल जाता है। टॉप लेफ्ट में स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो लेफ्ट साइड बेंड किया गया है, और ये कैमरा मॉड्यूल सिरामिक का बना है और इसकी जो फ्रेम है वो मेटल की दी गई है। इस मॉड्यूल में 3 कैमरा लेंस मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ मेंशन किया है P2D50T। इसका मीनिंग क्या होता है वो मैं वीडियो में आगे कैमरा सेक्शन में बताने वाला हूँ। फोन की फ्रेम एल्यूमिनियम की बनी है, यानी बिल्ट में तो फोन सॉलिड है, लेकिन जेरी भाई के टेस्ट में फोन बीच में से क्रैक हो जाता है, जो भाई फोन को बैक पॉकेट में नहीं रखना है। अगर गलती से भी फोन के ऊपर बैठ गए तो एक में से दो फोन बन जाएंगे। वैसे फोन का जो वेट है वो करीब 200 ग्राम का है और उसकी जो थिकनेस है वो करीब 8.6 mm की है। ऑल ओवर डिजाइन मुझे ठीक ठाक लगी, स्पेशली कैमरा बम्प बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है। वन प्लस 10 प्रो की डिस्प्ले की बात करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो भी देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट और सम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं फोन की डिस्प्ले की। फोन में मिलती है 6.7 इंच की सेकंड जनरेशन LTPO AMOLED डिस्प्ले, रिजोल्यूशन 2K का मिल जाता है और ये अब तक की बेस्ट डिस्प्ले है। डिस्प्ले में सेल्फी कैमरा के लिए लेफ्ट साइड टाइनी सा पंच होल मिल जाता है और यहाँ पे साइड बेजल्स बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। हर बार की तरह कर्व्ड डिस्प्ले नहीं मिलेगी, कर्व्ड है लेकिन स्लाइटली 2.7D तक ही कर्व्ड दी गई है। डिस्प्ले में रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिल जाती है। अब ये सेकंड जनरेशन LTPO डिस्प्ले है तो रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज मिल जाएगी। अगर आप स्क्रीन में कुछ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे 1 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलेगी, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे बैटरी कंजम्पशन कम होगा। डिस्प्ले में पीक ब्राइटनेस लेवल 1300 नीट्स तक मिल जाता है, यानी सनलाइट में विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी, आप सनलाइट में गेमिंग भी कर सकते हैं। तो ऑल ओवर डिस्प्ले के मामले में ये फोन बहुत ही टासू है। वैसे यही डिस्प्ले Realme GT2 Pro में भी मिलने वाली है, जो 7 अप्रैल को लॉन्च होने वाला है। अगर आपने Realme GT2 Pro का अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर से देख ले क्या फोन बनाया है। और मैं श्योर हूँ कि जो Realme GT2 की प्राइस है वो वन प्लस 10 प्रो से तो कम ही आने वाली है। अगर आप इस सेगमेंट में अभी फोन लेना चाहते हैं तो थोड़े दिन रुक जाए, क्या पता 10-20 हज़ार बच जाए इसमें। और अभी जो वन प्लस है वो ओप्पो की सब ब्रांड बन चुकी है, रियलमी भी ओप्पो की ही सब ब्रांड है, तो ओप्पो रियलमी और वन प्लस ब्रांड बाय बाय हो चुके हैं। अब ओएस की बात करें तो चाइना में वन प्लस 10 प्रो में कलर ओएस मिल जाता है, जो बेसिकली ओप्पो के फोन में देखने को मिलता था, लेकिन इंडिया में तो ऑक्सीजन ओएस के साथ ही आएगा, जो एंड्रॉयड 12 बेस्ड होगा। अब बात करते हैं वन प्लस 10 प्रो के कैमरे की। फोन में रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जहां पे प्राइमरी 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX789 सेंसर मिल जाता है, जो वन प्लस 9 प्रो में भी वही सेंसर लगा था। सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो 3.3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है और यहाँ पे पेरिस्कोप जूम नहीं मिलेगा। और थर्ड 50 मेगापिक्सल का सैमसंग JN1 अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, जो 150 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है और यही सेंसर आपको Realme GT2 Pro में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस फ्लैश लाइट के बारे में, जहाँ पे मेंशन किया है P2D50T। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सेकंड जनरेशन फोन विथ 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। अब यहाँ पे कैमरा सैंपल्स देख सकते हैं और कैमरा कंपैरिजन भी देख सकते हैं। We'll be right back.
फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। OnePlus 10 Pro के परफॉर्मेंस की बात करें तो Snapdragon 8 Gen 1 फ्लेक्सी प्रोसेसर मिल जाता है, साथ में LPDDR5 RAM मिल जाती है और UFS 3.1 स्टोरेज, और यहाँ पे Antutu स्कोर देखे वो भी 10 लाख के ऊपर मिल जाता है। और दोस्तों डिटेल में परफॉर्मेंस और गेमिंग टेस्ट देखना है तो OnePlus 10 Pro का डिटेल रिव्यू वीडियो जरूर से देख ले, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। OnePlus 10 Pro की बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। बैटरी को चार्ज करने के लिए इस बार 80 वेट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है, जो बैटरी को करीब 33 मिनट्स में ही 0 to 100% चार्ज कर देगा। साथ में 50 वेट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है विद वायरलेस पावर शेयरिंग फीचर। OnePlus 10 Pro की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस इंडियन रुपीज में करीब 54,500 से शुरू होती है, तो इंडिया में तो इस प्राइस से ज्यादा प्राइस में ही आएगा। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं OnePlus 10 Pro के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।